उसमें जब मैं यूट्यूब पर नई नई थी तो लोग मुझे बहुत पीछे खींचते थे, ओए तेरे को मेकअप नहीं आता, तेरे को तो कॉन्टूर वर्ड नहीं बोलना आता, तेरे को ये नहीं आता, वो नहीं आता। बट अब जब मैं देखती हूँ कि मेरे इतने बेशुमार सब्सक्राइबर्स को मेरे मेकअप ट्यूटोरियल से इतनी हेल्प मिल रही है, मतलब जो लोग मेकअप खरीदते नहीं थे, जिनको डर लगता था या जो लगता जिनको शौक भी नहीं था, वो लोग भी मेकअप लेने लग गए हैं एंड मुझे अपनी पिक्चर्स भेजते हैं, चाहे वो टीनेज कॉलेज गोइंग गर्ल्स हों या 30, 40, 20s, 50s में आंटी हों, लेडीज हों, गर्ल्स हों, BFFs हों, दे आर सो हैप्पी एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है। एंड कभी भी किसी को आप ये मत फील कराने दीजिए आपको कि आप किसी से इंफीरियर हैं, ही नहीं, आपको आता नहीं है, ये नहीं आता। और मुझे लग रहा है मैं ज्ञान बहुत दे रही हूँ, बट डेफिनेटली मेकअप में कोई रूल्स नहीं होते, आप अपने तरीके से कीजिए। कोई अगर आपको कुछ कहता है, कहो भैया मैं तो ऐसे ही करती हूँ। सो दैट्स इट, आई थिंक आज का वीडियो आप जरूर देखें, आपको थोड़ी इंस्पिरेशन और एनकरेजमेंट मिलेगी। एंड अगर थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस आता है और अगर इस तरह से चिजल लुक मेरा कंट्रोल का तरीका अच्छा लगता है, तो ऑब्वियसली कमेंट्स और ज्यादा प्यार व्यार कर देना। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जेसुपर कौर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? दोस्तों मेरे पास बेशुमार रिक्वेस्ट आनी थी कंट्रोल कैसे करना है एंड ऑल दैट, और मेरा मन था एक ये फन तरीके से करूं जैसा मैं जेन्युइनली करती हूं। मैं कई बार ब्राउन लिपस्टिक से कंट्रोल करती हूँ बिकॉज मुझे प्रोफेशनल जो कंट्रोल पैलेट्स आते हैं या जो पाउडर्स आते हैं उससे ना मेरे को थोड़ा सा उतना कॉन्फिडेंस अभी नहीं है। आई काइंड ऑफ एक्सेप्ट एंड एडमिट दिस। तो मेरे को बड़ी शर्म आती थी कि यार मैं आप लोगों को कॉन्टूर क्या समझाऊं, क्या मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं जब मैं खुद ही लिपस्टिक से करती हूं। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं लिपस्टिक से जो मैं करती हूं वो आप लोगों के साथ बस बिंदास शेयर करूं। जज आप लोग करोगे, आपको अच्छा लगा तो आप फॉलो कर सकते हो। मे बी क्या मेरे से कई बेटर, हजार गुना बेटर और भी लोग होंगे, तो वो आप अपने आइडियाज नीचे डिस्क्रिप्शन बार नीचे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली दे सकते हैं। बट मैं ब्राउन लिपस्टिक से मोस्टली करती हूँ। कभी कभी दोस्तों ये जो मेरे पास मेबेलिन द न्यूड्स का पैलेट है या फिर मोडा कॉस्मेटिक्स का एब्सोल्यूट न्यूड है, इसमें भी ब्राउन शेड है, मैं इससे भी कॉन्ट्रोर पाउडर कॉन्ट्रोर कर लेती हूँ। बट ट्रस्ट मी, जितने भी पाउडर कॉन्ट्रोर आप अलग से खरीदिए या कुछ भी, ये जो ब्राउन लिपस्टिक आपके लिए काम करेगी ना, मुझे नहीं लगता कोई और प्रोडक्ट कर सकता है। मे बी आगे मैं जैसे जैसे और अच्छी होती जाऊं तब मैं और कॉन्फिडेंट हो जाऊं, बट ब्राउन लिपस्टिक, ये लैक्मे एनरिच सैटिन लिपस्टिक है, वन ऑफ माय फेवरेट लिपस्टिक्स, एंड दिस इज इन द शेड RM11, मुझे बहुत 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 अच्छी लगती है एंड इट्स एन एक्सट्रीम लाइक ब्राउन कलर, परफेक्ट। और ये मैंने वीडियो शूट करा था, थैंक यू ये वाला वीडियो लाइक करने के लिए। ये देखिए ये शेड है, परफेक्ट फॉर माय स्किन टोन, मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। आप थोड़ा कम कॉन्ट्रोल करना चाहते हैं तो लाइट कलर भी ले सकते हैं, या आपके पास कोई ऑलरेडी पड़ी है ये आप मंगाएंगे purple.com पे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं दूसरे यूट्यूबर्स को देखती हूँ ना, स्पेशली निकी ट्यूटोरियल्स एंड मैनी मुआ, मतलब दे डू कॉन्ट्रोलिंग लाइक अ प्रो, मतलब मैं तो यार कुछ भी नहीं हूं उनके सामने, एंड इतनी जबरदस्त करते हैं। मुझे ऐसा लगता है मेरा फेस ना कॉन्ट्रोरिंग के लिए बना ही नहीं है, मैं कॉन्ट्रोर नहीं कर सकती। पर डेफिनेटली अब धीरे धीरे थोड़ा बहुत सीख रही हूँ, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो कान पकड़ के पहले ही सॉरी बोल रही हूँ। एनीवे हम क्या करेंगे, मैं लास्ट में अभी आपको जाते जाते एक एक्सरसाइज भी बताऊंगी यहाँ के लिए। दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे मेरे शैडो पड़ रही है, उसको माइंड मत करना बिकॉज मेरे घर के नीचे बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो मेरे पास रात का टाइम होता है शाम और रात का शूटिंग के लिए। एनीवे हम लोग ये वाली जगह देखेंगे जहां से हमारा कान जो है स्टार्ट हो रहा है, मतलब कभी भी नीचे की तरफ आप मत जाइएगा बिकॉज कॉन्ट्रोरिंग हम करते इसलिए कि अपनी चीक्स को, चीक बोन को हाईलाइटर हो गया, लेकिन ये जगह हम इसको अपलिफ्ट करने के लिए, एलिवेटेड दिखाने के लिए करते हैं, नीचे लटकी हुई सैगिंग नहीं दिखानी। तो हम ये वाला पहले पॉइंट हम ढूंढेंगे अपने फेस के हिसाब से, किसी के यहाँ है यहाँ है, वो आप देखिए ये चीक बोन है ना यार, चीक बोन के नीचे हॉलो, ये देखो ये हड्डी उभरी हुई है, ये चीक बोन हो गई हमारी, और इसके नीचे जब आप जाओगे यहाँ, ये देखो ये यहाँ पे मेरा हॉलो ऑफ द चीक है, आपका जहाँ हो वो आप, तो ये फिंगर है, ये सबसे पहला स्टेप है। सही जगह कॉन्ट्रोरिंग करेंगे तो बहुत फ्लॉलेस और ऑन फ्लीक होगी, अगर यहाँ यहाँ गलत जगह करोगे तो भैया वो कुछ और ही लगेगा। फिर जहां पर हमको जगह मिल गई है कॉन्ट्रोर करने की, हम वहां से स्टार्ट करेंगे। एंड ऑलवेज वेरी लिटिल प्रोडक्ट गोज अ वेरी लॉन्ग वे, तो थोड़ा सा प्रोडक्ट लें आप, बढ़ा सकते हैं, बिल्डअप कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली ज्यादा प्रोडक्ट यूज करने के बाद कम करना बड़ा बेकार रहता है। एंड मैंने कही हूं, मतलब मैं किसी को गलत नहीं बोल रही, बट कुछ लोग कॉन्ट्रोरिंग पूरा यहां तक करते हैं या फिर यहां तक आ जाते हैं, मतलब पूरी ये लाइन जो है यहां तक खींच देते हैं, इधर तक, ठीक है यहां तक, ये बिल्कुल मेरी नजरों में गलत है। मतलब मे बी इट वर्क्स फॉर देम, बट मेरे हिसाब से अगर मैं अपने सब्सक्राइबर्स को समझाऊंगी तो मैं कहूंगी ये जहां मैं हंस रही हूं देखिए, तो सिर्फ यहां तक आप जाएंगे,
वन थर्ड जो आउटर थर्ड है ना आई का, बस वहां तक जाएंगे. यहां जाएंगे तो वो गाल ढिलका हुआ, मतलब सैगिंग नीचे लटका हुआ गाल लगेगा, वो वही तो हमें नहीं करना. तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल हल्की सी मैं यहां पर इतनी कर दूंगी. दैट्स इट. ये एक स्कल्पटिंग. ये देखिए, अब मेरा हॉलो ऑफ द चीक यहां तक आ रहा है, पूरा नहीं भरना है. यहां पर करके एक बार और आप फिश फेस बनाएंगे. That's it. इतना ही आप जाएंगे. ये देख रहे हैं आप, इनफैक्ट थोड़ा कम जाएंगे तो कोई बुराई नहीं है. मैं इसको फिंगर से ही ब्लेंड करके दिखा रही हूँ. आप चाहें तो ब्लेंडिंग ब्रश ले सकते हैं, कॉन्टोर ब्रश ले सकते हैं, बट मैं चीजें बहुत ही इजी करने की कोशिश कर रही हूँ बिगिनर्स के लिए. तो बिकॉज वो प्रोडक्ट टूल्स वगैरह देख के डर जाते हैं. ब्रशेस का भी वीडियो जल्दी लाऊंगी और फिंगर्स से ही मैं इसको अब हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर नीचे नीचे नहीं खींचना. यहां पर हमें डार्क नहीं करना है, ठीक है. शैडो हमें जो क्रिएट करनी है, यहां शैडो क्रिएट करनी है, ठीक है. तो इसको आप ऊपर की तरफ ब्लेंडिंग शुरू कर दें. एंड ट्रस्ट मी, ये जो RM11 शेड है ना यार, मेरे को इससे प्यार हो गया. पहले सिर्फ लिपस्टिक के नाम पे प्यार था, अब मुझे कॉन्ट्रोल में भी, मतलब मैं तो फैन हूँ, मुझे अब इससे लिपस्टिक कम लगानी है, कॉन्ट्रोल ज्यादा करना है. और दोस्तों अब आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छा यहां पर आया. अगर आप और डार्क करना चाहते हो, वांट टू गो अ लिटिल मोर बोल्डर, तो हल्का सा और कर लेंगे. बट देन प्लीज प्ले सेफ, इतना इतना ही करना. एंड देन सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज. ये देखिए, दिस इज द वे यू कैन डू इट. बहुत आसान है. इवन अगर आप पार्लर से कभी भी तैयार हुए या कभी तैयार होंगे, आप देखेंगे कि वो कॉन्ट्रोर का जो शेड होता है वो ब्लश और कॉन्ट्रोर को मिक्स करके लगाते हैं. तो एक तरह से ये बिल्कुल सन किस्ड आपकी लुक आएगी. आप इसको थोड़ा सा और डार्कन कर सकते हैं. मतलब इसमें ना कोई ट्रिक इतनी एज सच आपको यूज नहीं करनी, बस इसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए एंड दैट्स इट. एनीवे दोस्तों, यहां पर यू कैन सी द डिफरेंस. यहां पर मैंने लगाया और यहां पर बिल्कुल नहीं लगाया, तो यहां कोई स्कल्प्टेड लुक नहीं आ रही. डबल चिन है जिनकी, ऑफ कोर्स मेरी तरह, तो दे कैन ऑल्सो डू दिस. अब डबल चिन को हाइड करने के लिए ये नहीं कि यहां पे लगाना है, हमें नीचे की तरफ लगाना है और ब्लेंड भी हमें नीचे की तरफ करना है. यहां पर ये नीचे लेके जाना है, ठीक है, और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है. अलग से लाइन नहीं दिखनी चाहिए दोस्तों. ये देखिए, सो थोड़ा डार्क हो गया यहां पर, कोई बात नहीं. सो नाउ यू सी, जस्ट लुक एट दैट. आई होप मैं अच्छे से दिखा पा रही हूँ. और यहां पर मैंने ये पूरी मेरी डबल चिन हाईलाइट हो रही है. तो और इवन यहां पर भी आप हल्का सा करके इसको भी इनवर्ट ब्लेंड करेंगे, ठीक है. सो आई थिंक दैट्स द डिफरेंस. यू कैन कंप्लीटली सी. मैं अभी नोज कॉन्ट्रोलिंग में इतनी कॉन्फिडेंट नहीं हुई हूँ. जब हो जाऊंगी कॉन्फिडेंट तब मैं अच्छे से आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. बट ये वाली कॉन्ट्रोरिंग की तो मैं भैया जबरा फैन हो गई हूँ. अगर आपको भी मेरा ये टिप अच्छा लगा है तो जरूर इसको ट्राई कीजिए. लाइक पिक्चर्स खींच के भेजिएगा. एंड आई एम श्योर, अगर आप मेरी तरह डरते थे ना कॉन्ट्रोर से और लगता था और बड़ी हीन भावना होती थी, और शी डज कॉन्ट्रोरिंग लाइक अ प्रो, वाओ कितनी चिजल्ड अप लुक आती है, अब आपकी भी आएगी. और बिल्कुल जस्ट सेम, मतलब अब मैं अच्छे से यहां से पोज कर सकती हूँ. पहले मेरे को ना पोज करने में बड़ा अजीब लगता था कि आई है फ्लैट सा लग रहा है, और कई लोग मुझे पता है बोलते भी थे बिल्कुल फ्लैट फेस लगता है. कॉन्ट्रोरिंग से थोड़ी सी डेफिनेशन और अच्छा, लाइक ये हाइलाइटेड एरिया और ये चिजल्ड अप लाइक दिस. ये वाली साइड भी करके आती हूँ, फिर मिलती हूँ, मैजिक. तो दोस्तों ये मैंने दोनों तरफ कर लिया, आप यहां पर भी देख सकते हैं एंड साथ में यहां पर भी देख सकते हैं. तो अब कॉन्ट्रोरिंग से बिल्कुल कोई नहीं डरेगा. आई टोल्ड यू व्हेन जेसुपर कौर इज नियर देन नो फियर. तो ये लैक्मे की, मतलब यार लिपस्टिक कोई भी ब्राउन ले आइए. अगर आप थोड़े से डार्क स्किन टोन है इससे थोड़ा डार्क ले लीजिए, थोड़ा लाइट है तो इससे हल्का लाइक कॉफी ब्राउन ले लीजिए. ये जैसे बिल्कुल चॉकलेट डार्क ब्राउन है, आप थोड़ा इसमें लाइट ब्राउन ले लीजिए बिल्कुल नेचुरल लाइट कॉन्ट्रोरिंग के लिए. एक मैं चीज बता रही थी कि जब भी आप खाली बैठे हो ना तो आप हमेशा ऐसे करो, फिश फेस बनाकर ना. मतलब मेरे को बड़ी हंसी आ रही है अभी अपने आप को ऐसे देख के, आप लोगों को भी बहुत हंसी आएगी. बट ये अपने जो चीक्स है ना, इनको ऐसे बाइट करा करो, जैसे चक मारते हैं ना, चक मार के रखो इनको अंदर. ऐसे करते रहिए. और ये जब आप 10 से 15 सेकंड, ये दिखने में बड़ा मजाक और बड़ा आसान लग रहा है, पंगेबाजी लग रही है,
लेकिन जब आप इसको 10 से 15 सेकंड करोगे ना, ऐसा लगेगा जो आपके गाल है ना वो ट्रेडमिल पे 10 की स्पीड पे 15 की स्पीड पे भाग कर लाइक कार्डियो करके आ रहे हैं ऐसे। तो आप ये रोज कीजिए, मैंने भी करना शुरू कर दिया, आप भी कीजिए, मेरे को फायदा हो रहा है इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो एनीवे दोस्तों, तब तक के लिए ये तो हम जुगाड़ कर ही सकते हैं। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा, बहुत सारे लाइक्स दीजिएगा एंड डेफिनेटली जे सुपर कौर फैमिली का हिस्सा बन जाइए। आई लव यू ऑल सो मच। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कुछ कीजिए। नीचे कमेंट्स बहुत सारे करना है यार, मुझे आप लोगों का प्यार वही तो एक जरिया है जिससे मुझे आप लोगों का प्यार दिखता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ एंड मुझे बहुत सारा मिस करना जैसे मैं मिस करती हूँ। लव यू ऑल।